बॉलीवुड में कई हीरो आए और गए, लेकिन देवानंद के सदाबहार अंदाज की बात ही कुछ और है। उनकी गिनती अपने जमाने के बेहतरीन एक्टर्स में होती है। देव साहब फैशन आइकन के तौर पर भी जाने जाते थे। उस जमाने में उनके स्टाइल की दीवानगी लोगों में सिर चढ़कर बोलती थी। एक बार तो ऐसा मौका आया जब देव साहब के काले कोट पहनने पर कोट को पाबंदी लगानी पड़ी थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने दौर में देवानंद का अंदाज सबसे अलग था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहते थे। फिल्म में एक तरफ उनकी डायलॉग डिलीवरी कहर ढाती थी, तो दूसरी तरफ उनके कपड़े पहनने का स्टाइल सिनेमाई पर्दों पर आग लगा देता था। लेकिन एक और चीज थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि काला कोट था। ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन यही सच है। दरअसल देव साहब अक्सर सफेद शर्ट के साथ ब्लैक कोट पहनते थे। उनमें देव साहब कमाल के लगते थे। काले कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। लड़कियों में देव साहब को काले कोट में देखने की खास दीवानगी होती थी। यह पागलपन इस कदर था कि लड़कियां कई बार तो अपनी जान भी दांव पर लगा देती थी। कई बार तो लड़कियां छत से छलांग लगाने तक को तैयार हो जाती थी, जिसके चलते धीरे धीरे काला कोट देव साहब के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। बस इसी समस्या का समाधान करने के लिए कोट को बीच में दखल देना पड़ा। इस दौरान देव साहब की फिल्म काला पानी रिलीज हुई और हिट भी हुई। तभी कोर्ट की तरफ से आदेश जारी करते हुए देव साहब के ब्लैक कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया गया। बता दें कि देव साहब का जन्म पंजाब के गुरदासपुर के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। सरकारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने वाले देव साहब आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। घर की मजबूरियों के चलते वो पैसा कमाने मुंबई आए और किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया।